100 कमीनों के मरने के बाद तमारो डैड ने जन्म लिया होगा, बुरा तो नहीं लागियो? चारी सर, ये कौन है? इस वक्त हम लोग धरती पे ही है ना? धरती पे ही है, लेकिन ये तो देवलोक से आई कोई अप्सरा लगती है। बापू, लगता है शॉर्ट सर्किट थई गयो, उसने आपके दिल का फ्यूज उड़ा दिया। लगता तो है। अब तक खड़ी है मतलब वो भी चाहती है कि आप उसे ताड़ते रहो। लागे रहो सर, पूरी बॉडी स्कैन करो, नाखून चमड़ी बाल सब स्कैन कर लो। लेकिन इसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या? जाकर पता करो। एक्सक्यूज मी, खड़े खड़े बदन सुखा रही है? तुम अब आ रहे हो? एक घंटे से मुझे घूर रहे थे तब होश नहीं आया। अपना एरिया में अपने से ही हुल पट्टी, आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं क्या? ये एड्रेस, मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। एक घंटे से धूप में खड़ी हो, वहाँ आकर हमसे पूछ सकती थी ना? मैं तुमसे अगर एड्रेस पूछूं, मैं यहीं रहूंगी, तुम मुझे एड्रेस बताओगे? किसी घुसखोर मंत्री की बिगड़ेल बेटी लगती है। चलो एड्रेस बताओ। लो तुम्हारा फोन तो बताता हूँ। ये गूगल बाबा का इशारा तो उस घर की तरफ है। ये तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह उसका भी टॉप फ्लोर खाली है, शायद आप वहीं रहने आई होंगी। वो गॉड, कहाँ मर गए ये लोग? फ्रेंड्स आने वाले हैं, आप अंदर चलकर अपना नया घर देख लीजिए ना, जैसे ही आपके फ्रेंड्स आएंगे हम उन सबको ऊपर पहुँचा देंगे। चलो ने मैडम, गृह प्रवेश कर लीजिए, क्या पता अंदर जाने के बाद आपको कभी भी बाहर आने का मन ही ना करे। आमिर खाने को रोशन कीजिए। कोयल ने भी एंट्री पास कर दी, आ जाओ मैडम। फूल भी आपके पैर चूमकर आपका स्वागत कर रहे हैं मैडम। आवो मैडम, आइए आवो, आइए आवो, ये लीजिए। एक मिनट, लेफ्ट लेग फर्स्ट। लेफ्ट लेग केम पप्पू, खड़े खड़े भाभी मिल गई सर। सारू छे अनु रे, बंगला उस तरफ है, वहाँ कहाँ जा रही है? गांडी दोस्त, हमेशा गलत टाइम पे आ जाते हैं। सॉरी, गूगल मैप्स ने तो यही बंगला दिखाया था, शायद मुझसे कोई गलत फहमी हो गई। हमारी चूक नहीं मैडम, ये 100 ग्राम की काली कोयल। चुप, पनौती चिकन की हड्डी ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आप तशरीफ ले जाइए। ए रुक रहे, तुमने नहीं मैडम, इन आवारा फूलों को। सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी भाभी समझ बैठते हैं? इनको तो मसल देना चाहिए। क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी? बंगला कहाँ है? बंगला सामने है। हाँ। अरे सुन चिकन की हड्डी, क्या इस एंटीक पीस की बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे? पूरे तेलंगाना में उसकी जैसी गुरूर वाली लड़की और कोई नहीं है। ये शैलजा रेड्डी की इकलौती बेटी है। नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद और गुरूर में उनसे 100 कदम आगे है, एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। लगभग 5 साल पहले दोनों के बीच का रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर था, जैसे कि दोनों सहेलियां हो। इन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों जरूर पिछले जन्म की बहनें हैं। फिर एक दिन एक घटना घटी। इनके गांव में तब सिर्फ एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल था। गांव की हर औरत की डिलीवरी की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर पर थी। तभी शैलजा रेड्डी को कुछ पता चला। आज तक तुमने यहाँ 55 डिलीवरी करवाई है, सारी की सारी सिजेरियन थी, एक भी नॉर्मल नहीं। आखिर तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर जल्लाद हो तुम। गरीब गांव वालों को धोखा देकर लूटते हुए शर्म नहीं आती? हेलो मैडम, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो। अपनी आवाज़ जरा नीची रखिए, क्योंकि ये आपका घर नहीं है, आप जहाँ खड़ी हैं वो मेरा हॉस्पिटल है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? देखिए, ये हॉस्पिटल है कोई धर्मशाला नहीं, जहाँ फ्री में डिलीवरीज करवा के सारे खर्चे अपनी जेब से भरती रहूं। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, तुम भी उस दर्द से गुजरी हो ना, क्या तुम उस दर्द को भूल गई? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा भी सिजेरियन हुआ था, और अगर आपको इससे इतनी ही तकलीफ है ना, तो एक हॉस्पिटल खोलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना दीजिए। अपनी हद में रहो, जो तुमने कहा है मैं करके दिखाऊंगी। अब ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा, और अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाई ना, तो जिंदगी में किसी को लेक्चर मत देना। देखती जाओ। शैलजा रेड्डी के गुरूर को उस दिन बहुत बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने अनु को डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया। What is this, मम्मी?
आपको लोगों की मदद करनी है तो कोई और तरीका ढूंढिए, मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। ऐसा नहीं है अनु, उस डॉक्टर ने मेरी बहुत बेइज्जती की, तुम्हें डॉक्टर बनकर उसे सबक सिखाना होगा। आपका ईगो शांत करने के लिए मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मैं आर्ट्स ही पढ़ूंगी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? आप मुझे अपनी मर्जी के बिना एक डॉक्टर बनाना चाहती हैं? अनु बेटा शांत हो जाओ। अनु बदतमीजी मत करो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं नहीं मानने वाली। अनु ने सबके सामने अपनी माँ के अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शैलजा रेड्डी को इस बात से इतनी ठेस पहुँची कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अनु से आज तक बात नहीं की। मम्मी देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। अनु ने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने हर बार नजरअंदाज कर दिया। हर हाल में हम सबको एक रहना है, उसके बाद मैं देख लूंगी। वो शैलजा जी कब तक इससे बात नहीं करोगी? आखिर ये हमारी बेटी है। अगर शैलजा रेड्डी अपनी ही बेटी पे हुक्म नहीं चला सकती तो किस हैसियत से दूसरों पे हुक्म चलाएगी? इसने मेरा अपमान किया है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरा कहा मानती, पर इसने मेरे अरमानों का गला घोट कर ठेस पहुंचाई है। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। पहले मुझे उस डॉक्टर ने जलील किया, फिर इसने जलील कर दिया। इसने एक बार भी मेरी इज्जत और ओहदे के बारे में नहीं सोचा। अब मैं इससे तभी बात करूंगी जब ये डॉक्टर बनेगी। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरी अपनी ही माँ मुझे नहीं समझ पाई, तो मैंने सोच लिया कि जब वो खुद मुझसे बात करने आएंगी मैं तभी उनसे बात करूंगी। ये क्या फालतूगिरी है? फालतूगिरी नहीं, बीमारी है। दिखने में तो अच्छे खानदान की लगती है। और आपकी किस्मत कैसे झंड हुई? हाँ, कॉलेज में साथ है, वही फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप का नाम देके बदनाम मत करो, क्योंकि असल में ये अत्याचार है, जबरदस्ती की जोड़ी है। बात में दम है। खाना खुद खाती है या वो भी खिलाना पड़ता है? उसके लिए भी असिस्टेंट रखा है, वो देखो कुमारी। वो सांस लेना खाना पीना सब भूल सकती है, पर अनु की देखभाल कभी नहीं। ऐसा लगता है वो अनु के लिए ही पैदा हुई है। अनु को झुकने के नाम से ही नफरत है, कुछ गिर जाए तो कुमारी उठाती है। अकड़ू है। बाय। ओके बाय। भैया छोकरी का एटम बम ज्यादा लागे छे। पर एक बात बोलो, ये वही है जो आपके डैड को सुधार सकती है? आप बस भाभी को घर ले आइए, बाकी वो संभाल लेगी। बेन आ करो ने। टॉवल दो। आ लियो। हमारी कॉलोनी अच्छी लगी ना? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सौजन्या है, मेरी बहन की दोस्त। ये मेरे लिए बहन जैसी ही है। इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए इनविटेशन दे रहे हैं। अगर तुम आज आ पाओगी, मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो इसे अच्छा लगेगा। हे, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? शायद तुम इसे नहीं जानती, पर ये कॉलोनी के सभी लोगों को इनवाइट कर रही है, इसलिए तुम भी आओगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। एक कार्ड दो ना, क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो चैतन्या? अगर ये मेरी शादी में नहीं आएंगी तो कोई फंक्शन नहीं होगा, और शादी की बात तो भूल ही जाओ। पहला कार्ड मैंने इन्हीं को दिया था, उसके बाद ही मैंने बांटना शुरू किया। मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? बचपन से, जब हमें तू से थे तब से। हाँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई से लेकर मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियाँ इन्होंने उठाई हैं। मेरी माँ नहीं थी, पर इनके रहते मुझे मेरी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं तो मंदिर में शादी करने जा रही थी, लेकिन अनु ने मुझे आकर रोक लिया। मेरी शादी का सारा इंतजाम, कपड़े गहने से लेकर होटल बुकिंग्स तक सब इन्होंने ही संभाला। मारी बहन बहुत अच्छी से, ये हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान रखे है और उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। अनु हार्ट बहुत अच्छो है। ग्रेट। या, I'm always great। शाम की तैयारी हो गई? एकदम। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसे तो मैं बिगड़ी और नकचड़ी समझ रहा था, लेकिन ये कुछ और ही निकली। बॉस, एक बात क्लियर कर दूं तुमने, वो लड़की लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती एनाकोंडा है, हमें जिंदा निकल जाएगी। और ऐसी कुल्हाड़ी पर आप अपना सर पीटने जा रहे हो? कहना क्या चाहते हो? मतलब आप सू करो छो सर। नींबू का अचार ना खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, मुंह पे लगा के मुंह जलाने के लिए नहीं होता है। एक तो पहले से ही आपके घर पे डैड के रूप में सुतली बॉम्ब पड़ा हुआ है, और तो और आप मिसाइल लाने की भी बात कर रहे हो। चारी, गुलाब में कांटे होते हैं, अनार पर एक सख्त परत होती है, और चॉकलेट पर रैपर होता है, तो क्या इनका मजा ना ले? बिल्कुल नहीं, इन्हें आराम से खोलकर खाते हैं। वैसे ही पापा और अन्नू पर गुरूर का एक कवर चढ़ा है,
लेकिन उनसे प्यार तो कर सकते हैं ना। समझी गयो सर। या इस अनार के चक्कर में आप अनाड़ी बन गए हो और आपको प्यार व्यार कुछ हो गया है सर। एक बात याद रखो चारी, हर किसी के मोहब्बत के पीछे दर्द भरी कहानी छुपी होती है। उस दर्द को सहकर ही हमारी मोहब्बत सफल होती है। जैसे दिल का दर्द। या ठीक है सर, आज और अभी से मैं आपका चेला बनकर आपकी मदद करूंगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? माय होनहार कॉलेज के होनहार स्टूडेंट। सर, चाचा शेरू ने कहा था आराम होनहारों का काम है। शट अप, हम नेक्स्ट वीक के आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताने आए हैं। हमें शॉर्टकट कंपनी के एमडी मिस्टर चैतन्य की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला है पूरा 10 लाख का, लेकिन उसका भी एक शर्त है मैन, हम लोगों को उसका एक जानदार पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करने को मांगता। जानदार क्या, शानदार भी बना दूंगा। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक तस्वीर बनाई थी मेरे पड़ोस के खड़ूस अंकल की। अब उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा हार चढ़ा है क्योंकि वो खुदा को प्यारे हो गए। अगर वो एमडी भी मर गया तो 10 लाख क्या तुम्हारा बाप देगा मैन? तुम रहने दो, एक तो 1.5 साल से कॉलेज का फीस नहीं दिया, ऊपर से आने वाले पैसे को पनौती लगा रहा है। सिट डाउन माय डियर अन्नू। ये ना हमारे कॉलेज का मोस्ट प्रेस्टीजियस इशू है और पिछले आर्ट एग्जीबिशन में तुम चैंपियन रह चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता है कि एमडी का पोर्ट्रेट तुम ही बनाओ, दैट्स इट। और इस साल भी आर्ट चैंपियन तुम ही कोई बनाएगा। ठीक है, कल आप बुला लीजिए। सर 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 सर, मैं पेंटर को ले आया, इनको चूना लगाना, मतलब पेंट। अरे अनु सर, मैं से पहले से ही जानता हूँ, पिछले जन्म में साथ में ही थे। हाय अनु, केम छो अनु। सर आप इसी एमडी की बात कर रहे थे? हाँ यही है सर, अपना आधार कार्ड तो दिखाइए। सर ये इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी का। स्टॉप स्टॉप, अगर तुम लोगों को पेंटिंग बनवानी है तो नो तारीफ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ओह गॉड, 10 लाख का सवाल है अनु, प्लीज पोर्ट्रेट बना दो और मत भूलो तुमको ये फर्स्ट प्राइज भी देंगे।